नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन वेटरनरी एम्प्लॉय यूनियन के हेडक्वार्टर में हूं और ये यूनियन अपने कर्मचारियों के मांगों को ध्यान में रखते हुए DOPT को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें इस रिप्रेजेंटेशन का मुख्य जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है और जो यूनियन के सेक्रेटरी हैं पवन कुमार जी हैं, इसके सेक्रेटरी जो है घनश्याम चौहान जी हैं, जब असिस्टेंट सेक्रेटरी संतराज बैद जी हैं और HR मीना जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। तो इन लोगों ने अभी एक हाल ही में ड्राफ्ट करके कर्मचारियों के मांग के संदर्भ में DOPT को रिप्रेजेंटेशन दिया था। इसमें क्या क्या DOPT ने कुछ सकारात्मक पहल लिया है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि पवन जी आप बताइए कि DOPT ने क्या क्या सकारात्मक पहल किया है। ये जो DOPT के साथ साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं उनको जो है से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, एक डिमांड रखा गया था कि 7th पे कमीशन के बाद जो CGHS की फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के साथ साथ भारत के जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं डायरेक्ट उनके जो है सो उनके इंटाइटलमेंट के हिसाब से सब लोगों की सैलरी से CGHS का कंट्रीब्यूशन जिस रेशियो में कटता था सुविधाएं उनके अनुसार नहीं दिया जा रहा, उस रेशियो में सुविधाएं नहीं मिल रही थी। सुविधाएं जो है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो अनियमितता थी इस पर जो है डिमांड रखा गया था इसको नियमित किया जाए या बराबर किया जाए, इसको बराबर किया जाए या कंट्रीब्यूशन कम किया जाए या सुविधाएं बराबर कर दी जाए। तो इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सकारात्मक पहल की है और साथ साथ जो है इसके लिए एक ऑर्डर 28 अक्टूबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्डर निकाल दी है जिसमें सब लोगों को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो मिलना था काफ़ी हद तक उसको जो है पहल किया है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। मैंने आप कहना चाहते हैं जो विसंगतियां थी वो पूरी तरह नहीं की थी। अब जैसे कि आप जो पे लेवल 7th पे कमीशन में पे लेवल के हिसाब से पे लेवल 1, 2, 3, 4 और पे लेवल 14 और 15 और 16 तक जा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पे लेवल 7 का जो स्टार्टिंग जो पे है वो है 44,900, उनका कंट्रीब्यूशन भी 44,900 उनकी बेसिक पे फिक्स है और कंट्रीब्यूशन जो है उनका 600 पर मंथ उनके सैलरी से कटती है। और साथ साथ आप पे लेवल 11 में भी उनके भी कंट्रीब्यूशन 600 पर मंथ ही है, लेकिन दोनों की इंटाइटलमेंट अलग अलग थी, एक प्राइवेट। अब जो है उसमें क्या किया कि 50,900 जो बेसिक पे है उसके हिसाब से प्राइवेट कर दिया और 36,501 से लेकर के 50,500 तक जिसकी भी बेसिक पे है वो सेमी प्राइवेट वार्ड के इंटाइटलमेंट है और जीरो से लेकर के जीरो मीन्स की मिनिमम बेसिक पे जो 18,000 बेसिक पे है पे लेवल 1 का उससे लेकर के 36,500 तक जिनकी भी बेसिक पे है उनको जनरल वार्ड की इंटाइटलमेंट है। तो हम लोग तो इस पे जो है सर काफ़ी खुशी जाहिर किया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने काफ़ी पहल की है और थोड़ा सा गुजारिश है कि थोड़ी सी अनियमितता रह गई है उसको भी अगर संभव है तो उसको भी ठीक कर दे। और इससे काफ़ी सारे भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी पूरे भारत में काम कर रहे हैं सबको इससे फायदा मिलने वाला है। इवन MTS के भी जो एम्प्लॉई है जो पे लेवल 1 में भी काम करते हैं उनको भी अब सेमी प्राइवेट की सुविधा मिलने लगी, मिल सकती है अगर ये 36,500 ऊपर ज़्यादा सकता है। तो आप बताइए, आप मीना जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे या कुछ ऐसे आपके डिमांड्स हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए जिस पे आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, अपना विचार तो बताइए। काफ़ी हद तक तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारी डिमांड को स्वीकार कर लिया है और यूनियन की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने जो 650 जो ASO लेवल एंड अबव सबका इक्वल कट रहा था तो उनकी जो डिमांड उनको ASO को जो है ये सेमी प्राइवेट में रख रहे थे और बाकी लोगों को प्राइवेट वार्ड दी की फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। तो अभी हमारी जो डिमांड थी वो जो 650 रुपीज़ सबका कंट्रीब्यूशन है ASO एंड अबव तो सबको सेम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए,
तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर संज्ञान लिया और इसको इस विसंगति को दूर किया। तो इससे यूनियन जो है अपनी डिमांड को मनवाने में कामयाब रही और आगे भी हमारी यूनियन इस तरह की डिमांड्स के लिए पुरजोर कोशिश करती रहेगी। मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी का इस सकारात्मक पहल के लिए और यूनियन की जायज डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बारे में अब हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी घनश्याम चौहान से आग्रह करूंगा कि आप भी दो शब्द श्रोताओं को कहें या क्या क्या इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो रखें। जैसा कि श्री पवन कुमार जी चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन और श्री आर के मीणा जी वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ने आप हेल्थ मिनिस्ट्री के इस ऑर्डर के निकलने के पश्चात लाखों लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका फायदा मिलेगा और सरकार ने जो ये सकारात्मक पहल की है हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब एमटीएस भी सेमी प्राइवेट वार्ड में अपने को दिखा सकता है, अपना बेहतर इलाज अपनी फैमिली को और अपना करा सकता है। इसके लिए हेल्थ मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और वर्तमान सरकार पीएम मोदी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस उम्मीद के साथ कि इसमें जो विसंगतियां हैं वो जल्द ही पूरी की जाएंगी जिससे और कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।